जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतरता है, ऐसा मेरे ताऊ ने कहा था। बड़े बातूनी हो बालक, किंतु ये बालकों का खेल नहीं। उत्तम, क्योंकि खेल खेलने का समय मेरे पास भी नहीं है महोदय, क्योंकि मुझे पिताश्री की रक्षा करने हेतु महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। कैसा चमत्कार है, हम तो हस्तिनापुर से बद्रीधाम की ओर जा रहे थे। अवश्य ही, हमने अपना मार्ग बदल लिया बिना जाने। असंभव, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं हम। अवश्य ही, महामुनि ने हमारी आंखें बांध दी होंगी। बातों से ना ही भूल का निवारण होगा ना ही बंधन का उपाय होगा, मुझे तो केवल मेरे पिताश्री के प्राणों की रक्षा करनी है। सैनिकों, इस बालक के पीछे जाओ, यदि कोई मार्ग मिले तो आकाश में जलता तीर छोड़कर संकेत देना। जाओ, और हमारा रथ उस दिशा में मोड़ लो।
हस्तिनापुर कैसे आ गए? अवश्य कोई माया है ये। उसे जाने क्यों दिया रहा था? कर्ण भी बालक है, उस पर कोई विपत्ति है तो क्या होगा? पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे पिताश्री पे पूर्ण विश्वास है, वो अपना प्रण सदा सफल करते हैं। विश्वास रखो अधिरथ, वृक्ष का मूल कितना भी कोमल हो धरती को चीर ही देता है। कर्ण सारी विपत्तियों से युद्ध करके प्रातःकाल से पूर्व महामुनि को अवश्य ले आएगा। तब तो उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सुजनो, न्याय प्रतीक्षा कर सकता है, प्रतिशोध प्रतीक्षा नहीं करता। आज प्रातःकाल से पूर्व ही सूत अधिरथ की मृत्यु होने वाली है। मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए गांधार राज, मेरी सहायता कीजिए महाराज। Thank you.
वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत। लो, लो, मेरा हाथ पकड़ो। ताऊ ने कहा है जो ऊपर है उनका हाथ पकड़ते नहीं और जो नीचे है उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं। हाँ? हम योद्धा हैं महाराज, शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं, माया के सामने लड़ नहीं सकते। हमें क्षमा कीजिए गांधार राज। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और यदि हम आपके साथ गए तो मृत्यु अवश्य निश्चित है। आगे और भयानक माया होंगी गांधार राज। मैं उस दिशा में जाऊंगा। वहां तो भारी कुआसा है बालक, इसलिए तो महामुनि अवश्य वहीं होंगे। अभी प्राण मत त्यागना अधिराज, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया। बड़ा प्रतापी है तुम्हारा पुत्र, दिव्य है वो। स्मरण रहे सूत अधिरथ, वृक्ष को फल आता है तो उसे पत्थर से मारा जाता है, मोर के पंख निकलते हैं तो उसका आखेद किया जाता है। निर्बल और निसहाय को दिव्य पुत्र पाने का अधिकार ही नहीं। तुम्हारे मृतदेह पर पड़े हर गांव उसको स्मरण कराएंगे कि ग्राम रक्षक मदनजे का अपमान करने का क्या फल मिलता है। सहायता करो, कोई है जो इस वृद्ध की सहायता करे? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है। केवल माया है बालक, चलो। हे ईश्वर, इस पीड़ा से मुक्ति दे, मदद करो। ये
यदि किसी को वास्तव में सहायता की आवश्यकता होगी तो? इस समय मेरी बहन को सहायता की विशेष आवश्यकता है बालक, और मेरे पास समय नहीं किसी की याचनाओं को उत्तर देने का। चलो। अरे कोई है, मदद करो। महामुनि नहीं आएंगे कांधार कुमारी, तुम्हारी मातृत्व का सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो चुका है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव का वरदान विफल नहीं हो सकता। अरे महादेव का वरदान विफल नहीं हुआ गांधारी, तुम्हारा जन्म विफल हुआ है। सिन्ही का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है, वरदान को धारण करने की पात्रता नहीं तुम्हारी, और इसीलिए अब हस्तिनापुर की महारानी बने रहने योग्य नहीं हो तुम। कल प्रातः काल ही मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत आभार है। आप इस घाव पर वस्त्र बांध लीजिएगा सज्जन, मुझे जाना होगा। बालक, इस भयानक स्थान पर तुम क्या कर रहे हो? महामुनि व्यास को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें हस्तिनापुर ले जाना है प्रातःकाल से पूर्व। किंतु महामुनि तो अपनी तपस्या भंग नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे, मेरे पिता के प्राण संकट में हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं उन्हें सर पर उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसा योग्य है पुत्र, किंतु बल की भी एक मर्यादा होती है। मैंने इस वृक्ष को भी उठाया था ना? वृक्ष प्रतिकार नहीं करता, वृक्ष का अपना कोई संकल्प नहीं होता।
बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे वत्स? मैं नहीं जानता। तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स? विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स? विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। सिपाहियों, याद रहे, इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरे आर्य से मिलने दीजिए, मिलने दीजिए मुझे मेरे आर्य से। क्या कर रहे हो मेरे आर्य के साथ? मुझे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। प्रकार तुम्हारे पुत्र ने मेरा हृदय जलाया है, उसी प्रकार ये नमक तुम्हारे घावों को जलाएगा। तुम्हारा पुत्र गया है महामुनि को लाने। महामुनि को हस्तिनापुर ले आकर वो तुम्हारी मुक्ति मांगने की इच्छा रखता है। मूर्ख है वो। महाराज तुम्हें मुक्त करे, उससे पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका शिरच्छेद क्यों नहीं कर देते महोदय? नहीं कर सकते। परंपरा है कि शिरच्छेद प्रातःकाल ही हो सकता है, और फिर इसकी पीड़ा देख के मुझे आनंद मिल रहा है।
इसका त्याग कर शीघ्र मृत्यु देने का क्या प्रायोजन? मार खाते खाते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा मत करना मदनजय, अन्यथा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरा पुत्र अवश्य सफल होकर आएगा और विश्व की कोई भी माया या शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। यदि तुम्हें जीवन नहीं मिला तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे पिता हमारा त्याग करें, उससे पूर्व हमें संसार का त्याग कर देंगे। चलो पुत्र, माता गंगा सभी पापों को पावन कर देती है। महामुनि व्यास, आपको हस्तिनापुर पहुंचाए बगैर मैं मृत्यु को निकट भी नहीं आने दूंगा। मेरा संकल्प है महामुनि, मैं आपको महारानी गांधारी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे? वर्तमान तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए क्यों? मेरे संकल्प को आपकी याचना ने तोड़ा। सब माया है, मेरा कवच प्रकट नहीं हुआ, अर्थात सब माया है। महामुनि का संकल्प है कि वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करेंगे। उनका संकल्प केवल मेरे समर्पण से टूटेगा, मेरी याचना से टूटेगा।
अद्भुत पुत्र, अपने एकांत की सुरक्षा हेतु हमने इतनी यंत्रणाएं बनाई थी, किंतु उन सब को पार करके केवल तुम ही पहुंचे हो हमारे पास। क्योंकि मुझे मेरे पिता को न्याय दिलाना है। न्याय के लिए एक बालक को संघर्ष करना पड़े, ये तो उस राज्य की दुर्दशा का आरंभ है। चलो। परंतु पुत्र, क्या सूर्योदय से पूर्व महारानी गांधारी तक तुम मुझे पहुंचा पाओगे? ये मेरे जीवन का अंतिम प्रवास है, मुझे अकेले ही तय करने दो। महाराज, महारानी गांधारी गंगा नदी में समाधि लेने जा रही हैं। उचित ही है, जिसका जीवन व्यर्थ हो उसे मृत्यु को आलिंगन देना ही उचित है। धृतराष्ट्र, शिव के वरदान को उसके दुर्भाग्य ने विफल कर दिया, एक पुत्र तक ना दे पाई मुझे। मूर्ख मत बनो, बंजर भूमि भी पूजनीय होती है। निसंतान स्त्री का स्तर सारे संसार में उच्च ही होता है, उसकी मृत्यु की कामना करना दुर्भाग्य को निमंत्रण है। तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ रहा है अधिरथ। Thank you.
कर्ण, रथ माता गंगा की ओर ले चलो। ईश्वर पर इतना भी विश्वास नहीं। शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र को भी तुम्हारे पास नरक में भेज दूंगा अधिराज। महामुनि व्यास को लेकर कर्ण आ गया है महोदय। मेरे पुत्र ने मेरी रक्षा कर दी धनंजय। मैंने कहा था ना, अब अपनी रक्षा की चिंता करो। राधा, तुम्हारा पुत्र दिव्य है। पुत्र कर, तुम वास्तव में दिव्य हो। अपनी माता का आज तुमने उपकार कर दिया। हे माता, तुम ही तो कहते हो ना कि माता पे उपकार और संतान का धिक्कार संभव नहीं। तुम से भाग के आए थे। हाँ, आप तो भाग भी नहीं पाए, आप तो बंद गए थे महामुनि की माया में। यथार्थ यथार्थ कह रहे हो बालक, असफल हो गया मैं। मेरी सफलता मैं आपको दे देता हूँ। मुझे सफलता का कोई मुंह नहीं, मुझे तो केवल मेरे पिताश्री की रक्षा करनी है। तो
तुम्हारी सफलता, अर्थात तुम वहां मुनि को ले आए। हाँ, वहां बैठे हैं महाराज और महारानी के साथ। बालक, तुम वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत अद्भुत। किंतु मेरे पिताश्री का क्या होगा? सैनिकों, इस बालक के पिताश्री को राजसभा में ले आओ। बालक, महामुनि व्यास को यहां लाने का पुरस्कार अवश्य मिलेगा तुम्हें। अद्भुत अद्भुत। मेरे पिता को कोई दंड नहीं दे सकता। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो गांधार और हस्तिनापुर की सेना से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अपने पिता के जीवन की रक्षा करते अपने पूरे परिवार के जीवन को संकट में डाल दोगे। पुत्र कर्ण, वचन दो, कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिस कारण तुम्हारी माता या भाई पर कोई संकट आए। वचन दो। ये क्या छल हुआ है मुझसे? संतान के नाम पर मांस का लोथड़ा दिया है उस गांधारी ने। अब तक मुझे भगवान पर क्रोध था कि उसने मुझे दृष्टि से वंचित रखा, किंतु आज सुख है कि मेरे नेत्र नहीं है, कि मैं उस मांस के लोथड़े को देख नहीं पाया। मेरे भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है ताचरी। आज तक मेरी दृष्टि ने मुझे कभी पराजित नहीं किया, किंतु आज मैं अपने भाग्य से पराजित हो गया हूं ताचरी। आपने सदैव मुझे शिक्षा दी है ताचरी कि जब तक हृदय का बल है तब तक कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं है, किंतु आज मेरे हृदय का बल ही टूट चुका है, टूट चुका है। नहीं नहीं पुत्र, जीवन की घटनाओं से हृदय का बल नहीं टूटता, मन का छल टूटता है। बुद्धि मार्ग को आधार बनाती है, किंतु हृदय अपने चरणों के साहस पर विश्वास रखता है। वो जानता है कि मार्ग निश्चित नहीं है,
दिशा निश्चित है। अगर एक मार्ग अविरुद्ध हो तो दूसरे मार्ग का निर्माण करता है। नहीं ताचरी, अब मेरे चरणों में वो शक्ति नहीं। मेरे स्वप्नों को पूरा करने का मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है ताचरी। कोई तो उपाय होगा ताचरी, कोई तो उपाय बताइए ताचरी। आपके पुत्र को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पुत्र ने अपने मार्ग पर अपनी प्रतिज्ञा का बंधन टाल दिया हो, उस पुत्र को ये माँ क्या मार्गदर्शन देगी? उसी प्रतिज्ञा पर किसी भी स्थिति में अटल रहने का मार्गदर्शन। क्या ऐसी कोई स्थिति हस्तिनापुर में उत्पन्न हुई है पुत्र? धृतराष्ट्र का दुख मेरे हृदय की पीड़ा है माता। उसने गांधारी के 100 पुत्रों के वरदान को अपना स्वप्न बना लिया है। एक मांस के लोथड़े से उसका स्वप्न पूर्ण किस प्रकार होगा? किंतु पुत्र, क्या गांधारी के गर्भ से 100 संतानों की अपेक्षा करना एक भूल नहीं थी? किस प्रकार एक स्त्री एक जीवन काल में 100 संतानों को जन्म दे सकती है? महादेव का वरदान किस प्रकार विफल हो सकता? वरदान कभी विफल नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य की अपेक्षा से वो अलग हो सकता है। गांधारी को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु किस प्रकार माते? एक मांस के पिंड को जन्म दिया है गांधारी ने। नहीं पुत्र, उसने 100 संतानों के गर्भ बीज को जन्म दिया है। अर्थात धृतराष्ट्र की 100 संतानें बीज स्वरूप जन्म ले चुकी हैं। अब उन्हें मानव का रूप देना होगा और ये कार्य इस पृथ्वी पर
केवल महामुनि व्यास ही कर सकते हैं। यदि कल सूर्योदय तक महामुनि हस्तिनापुर जाकर उस पिंड को अपना आशीर्वाद दें, तो धृतराष्ट्र की 100 संतानें जन्म लेंगी। अन्यथा पितृत्व का सुख उसके भाग्य में नहीं। धैर्य रखो पुत्र, महामुनि व्यास गांधारी के 100 पुत्रों को जीवन अवश्य देंगे। मैं स्वयं जाकर उन्हें तपस्या भंग करने का अनुरोध करूंगा और प्रातःकाल से पूर्व उन्हें हस्तिनापुर लाने का संपूर्ण प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करने वाला सफल नहीं होता महामहिम, करने वाला ही सफल होता है। जल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला नदी और झरने ढूंढता है, और जल के लिए जो हट करता है वो कुआं खोदता है महामहिम कुआं। और आपको कोई अंतर नहीं पड़ता मेरी बहन की संतान जिए या नहीं। आपके मृत्यु के बाद पिंडदान करने वाला तो जन्म ले चुका है महामहिम। महाराज पांडु के घर में हैं? धृतराष्ट्र के प्रति मेरे प्रेम पर संदेह है आपको गंधार राज? कदापि नहीं महामहिम। जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हो उसके हृदय की भावनाओं पर संदेह कैसे कर सकता हूं। किंतु यहां इस समय प्रेम का होना पर्याप्त नहीं, उन्माद की आवश्यकता है महामहिम, उन्माद की। उन्माद का अर्थ जानते हैं ना आप? जिसे रात और दिन का भेद दिखाई ना दे, जिसे सत्य असत्य सार असार उचित अनुचित का विस्मरण हो जाए, उसे कहते हैं उन्माद। जो आज मेरे अंतर में है, इसीलिए शकुनी स्वयं महामुनि की खोज करने जाएगा महामहिम। शकुनी यथार्थ कह रहा है ताचरी। आप सदा ही धर्म के मार्ग पर चले, किंतु इस समय धर्म का नहीं परिणाम का महत्व है। अपनी बहन के प्राण, अपना सम्मान और गांधार की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शकुनी अधिक प्रयत्न करेगा। मेरा आदेश है शकुनी जाएगा महामुनि को ढूंढने हेतु। सैनिकों, आप सबसे अधिक बलवान योद्धा समस्त सेना में नहीं है, इसी कारणवश मैंने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। आप सब गंधार राज के संग महामुनि को ढूंढने जाएंगे।
स्मरण रहे, महामणि तक जाने वाला मार्ग अत्यंत निकट है। गंधार राज शकुनी के सामर्थ्य पर मुझे विश्वास नहीं, इसलिए उनकी रक्षा का भार आप पर है। यदि वो अपने कार्य में सफल होते हैं तो संपूर्ण हस्तिनापुर पर आने वाला संकट टल जाए। प्रातः काल से पूर्व महामुनि को हस्तिनापुर ले आते हैं तो आप में से प्रत्येक को धन धान्य या भूमि देकर संतुष्ट किया जाए। जो मांगोगे दिया जाएगा। क्या जीवन दान मांगने पर वो भी दिया जाएगा महोदय? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? पिता के प्राणों की रक्षा करने का समय आता है तो प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। उत्तर दीजिए महोदय, वास्तव में जो मांगा जाएगा आपको देंगे मुझे? किंतु केवल सैनिकों को। अगर मैं इनसे पहले लेकर आऊंगा तो? सुनो बालक, ये किसी प्रकार का खेल नहीं। जानता हूँ, और मेरे पास भी खेल खेलने का समय नहीं है महोदय। मैं अवश्य अपने पिताश्री की रक्षा करूंगा। मेरे पिताश्री कह रहे थे कि महामुनि व्यास की गुफा में हर पद पर मृत्यु का संकट रहता है। मृत्यु का भय नहीं मित्र, मुझे महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। महामहिम ने कहा है कि जो ये कार्य करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं इनाम में पिताश्री का जीवन मांग लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम्हारा ये विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल बने।
मदिरा में आप महामानी व्यास को किस प्रकार ढूंढेंगे? भगवान सूर्य नारायण मेरा मार्गदर्शन करेंगे। धाम का मार्ग लंबा है, सावधानी से चलिए गंगराज। मामुनि व्यास ने इस मार्ग को बहुत कठिन बनाया है। कठिन? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती कठिनाई। इतना सरल मार्ग तो राजनगरी में नहीं होता। केवल बातें फैलाई है बातें महामहिम भीष्म ने। बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे? वही जो आप करें। मैं महामुनि को हस्तिनापुर ले जाऊंगा। तुम करोगे वो कार्य? जानते नहीं ये मार्ग अत्यंत कठिन है? आप जानते हैं कि मार्ग कठिन है? आओ, फिर तो ये कार्य आपसे हो ही नहीं पाएगा। जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतरता है, ऐसा मेरे ताऊ ने कहा था। बड़े बातूनी हो बालक, किंतु ये बालकों का खेल नहीं। उत्तम, क्योंकि खेल खेलने का समय मेरे पास भी नहीं है महोदय, क्योंकि मुझे पिताश्री की रक्षा करने हेतु महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है।